रेडी स्टार्ट। मिस्टर डिप्टी चेयरमैन, एज द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज़ सेड, देयर इज प्रैक्टिकली अन एनिमिटी ऑफ ओपिनियन इन इंडिया दैट देयर मस्ट बी स्टैंडर्डाइजेशन इन द मैटर ऑफ आवर वेट्स एंड मीजर्स, ऑल मॉडर्न कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू वेट्स एंड मीजर्स हैव बीन ऑन द बेसिस ऑफ द डेसिमल सिस्टम एंड द अर्लियर वी कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन दिस मैटर द बेटर फॉर अस इन दिस कंट्री ऑल्सो। द मेन क्वेश्चन टू कंसिडर इज हाउ क्विकली एंड हाउ इफेक्टिवली वी कैन इम्प्लीमेंट द प्रोविजन्स ऑफ दिस विल। ऑफकोर्स देयर आर न्यूमरस डिफिकल्टीज इन द वे। द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट आउट ऑफ द प्रेजेंट कैओटिक सिस्टम। द कॉमन पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ न्यू सिस्टम दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। फॉर दैट सो मच प्रोपोगेंडा इज नेसेसरी एंड वी हैव टू सी हाउ फार द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट विल बी एबल टू रिक्विजिशन हेल्प इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल द कन्वर्सन टेबल्स एंड देयर, एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट इन आवर टेक्स्ट बुक्स इन ऑल आवर स्कूल्स दिस न्यू सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड। दिस विल गो ए लॉन्ग वे इन एजुकेटिंग द पीपल इन दिस डायरेक्शन। देन अगेन इन द मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा एंड अदर स्टेप्स, द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कैन डू ए लॉट बाई मीन्स ऑफ दियर पोस्टर्स, दियर फिल्म्स डिवीजन एंड सो ऑन, बिकॉज आवर पीपल विल टेक ए प्रीटी लॉन्ग टाइम टू गेट ए करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दीज न्यू थिंग्स। दिस इज ए न्यू कंसेप्ट। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस विल लार्जली डिपेंड ऑन हाउ द मिनिस्ट्रीज आर एबल टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द इंटरेस्टेड बॉडीज। द प्रोपोगेंडा साइड शुड एक्ट क्विकली टू अनेबल पीपल टू ग्रेस्प द प्रैक्टिस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस विल। द अदर डिफिकल्टी इज दैट वेट्स एंड मीजर्स एंड द वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैव गॉट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। देयर विल बी ऑल शॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज। देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल फाउंड्रीज इन आवर कंट्री एंड इफ वी कैन मोबिलाइज दीज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स इट विल बी हेल्पफुल। द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर ऑल्सो देयर एंड दे शुड बी मोबिलाइज्ड लॉन्ग अलोंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैव गॉट द टेक्निकल पर्सनल, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड सो ऑन, बट द क्वेश्चन इज वन ऑफ मोबिलाइजिंग ऑल दीज एफर्ट्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। वी डू रियलाइज द
enormous difficulties in the way. We also realize that a lot of technical personnel is required, but if we are in a position to mobilize all these various things, we can achieve the target. The whole thing depends upon how government is able to secure the services of these various bodies, requisition the services of the technical personnel, including those available in the defense installations. If it is done, I think we will be able to catch up with the rest of the modern world. History shows that in other countries also, in most of the other countries, this system was introduced in times of turmoil, but all the people were galvanized to this modern concept, and if we have that will, I think it will be possible to have this thing implemented within the shortest possible time. As my friend pointed out, being a layman, I am not in a position to say anything about the definition, especially in regard to light, electricity, and other things. These are all technical things, but I think on the whole, the will reflects the unanimous demands of the people of the country. People have been demanding that they must have relief from the chaotic systems prevailing now. In the name of a mond 100 and odd separate measures and their in vogue in different parts of the country, they cannot get anything fair on the basis of the present differing weights and measures since 1949, when Parliament has been applying its mind to this problem. There has been so much consequences of opinion in favor of this thing that it is up to us now to quickly implement this scheme. Personally, I agree with the suggestion that the period must not be 10 years but only 5 years. The remarks made here regarding the need for implementing the provisions of the will are also the desire of the government, but I might tell you briefly, sir, that apart from the difficulties which Mr. Nair envisaged, that there are other which are also equally important. To give an example, I am told that to manufacture a primary standard of measurement, we will require a machinery which will take about 2 years to set up. This is the legal sanction by which you are going to prosecute the defaulters. Parliament is empowering government to prosecute all and sundry for the use of non-standard weights and measures, and the Parliament has to be satisfied that the standards are the most
एक्यूरेट साइंटिफिकली ऑन ए रफ एस्टिमेट देयर आर 6 million sets of weights and measures in India. Stop.